इस चैप्टर में हम लोग को कई सारे कमांड के बारे में देख चुके हैं, कंप्यूटर का स्किल का भी और अलग अलग एग्जांपल का भी आप लोग को वीडियो बना करके दिखाया गया है कि कैसे कोई कमांड काम करता है। उसके अलावा जो फिगर का कमांड है, जैसे एफडी हो गया, बीके हो गया, ये सारे कमांड हम लोग देख चुके हैं। उसके अलावा कुछ और मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड भी कुछ कमांड, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, इनका भी कमांड बताया गया है और ऑपरेटर भी बताया गया है। अगर उसके लिए जैसे कि सम यूज करते हैं तो सम एडिशन आपको करना है तो हम लोग उसको सम नाम के कमांड से भी यूज कर सकते हैं या फिर इस सिंबल से भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ये कमांड यूज, इसको हम लोग कमांड बोलते हैं और ऐसा सिंबल यूज करते हैं तो उसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। तो ऑपरेटर की मदद से भी हम लोग ऑपरेशन को सॉल्व कर पाते हैं और कमांड की मदद से भी, दोनों अलग अलग तरीका है। जैसे कि इसको रन करना है तो एमएस डब्ल्यू लोगों में शो नाम का कमांड होता है जो कि आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के रिजल्ट को डिस्प्ले कराता है आउटपुट बॉक्स में, शो नाम का कमांड। पीसी लोगों में ये कमांड यूज नहीं किया जाता है, डायरेक्ट हम लोग उसमें लिखते हैं। तो शो लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे सम करना है, सम लिखे और उसके बाद उसमें जो भी नंबर आपको ऐड करना है, जैसे 50 है, 60 है, जो भी स्पेस दे करके दो से ज्यादा देना है, आप उसको दे करके रन कराएंगे, आपका रिजल्ट आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट जो बॉक्स है उस बॉक्स में आपको दिखता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग कुछ स्पेशल फंक्शंस के भी, जैसे कि स्क्वायर, इंटीजर, फ्रैक्शन, जो भी नंबर होता है डेसिमल और इंटीजर, उसमें से इंटीजर को अलग करना या फिर उसको राउंड ऑफ करना, इंटीजर पार्ट को अलग करना या काउंट करना, ये सब चीज हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन के वीडियो में हम लोग उसको देख चुके हैं। पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं तो आप लोग फिर से जाइए देखिए उसको। कमांड जैसे कि रिपीट कमांड के बारे में बताया गया था कि कोई भी फिगर, किसी भी फिगर में अगर कोई कमांड, एक कमांड या एक कमांड, कमांड का सेट अगर बार बार रिपीट कर रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग रिपीट कमांड का यूज करते हैं। जैसे स्क्वायर के लिए बताया गया था कि स्क्वायर में क्या है कि हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं, फिर राइट साइड, फिर फॉरवर्ड, फिर राइट साइड, फिर फॉरवर्ड, फिर राइट, ऐसे करके हम लोग चार सेट बनता है, ठीक है, दो कमांड का, फॉरवर्ड राइट टर्न, फॉरवर्ड राइट टर्न, या फिर आप टर्टल को यहीं पर आप टर्न करा लेते हैं, अगर लेफ्ट डायरेक्शन, यहाँ पे राइट डायरेक्शन में इसको यहीं पर टर्न करा दिए तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड फिर लेफ्ट होगा, फिर फॉरवर्ड फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर ऐसे करके। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, आप जैसे चाहे, आप चाहे तो टर्टल को इधर से बुक करा के डाउनवर्ड डायरेक्शन में करके भी बुक, जैसे भी आप चाहे वैसे भी आप फिगर को बना सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने फिगर के अकॉर्डिंग आपका एक कमांड होता है, एक ही तो फिगर का दो तीन कमांड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर बनना चाहिए, ठीक है। और वही कमांड सही माना जाएगा जिस, जो फिगर एक्यूरेट बने और उसके स्टेप भी सबसे कम हो, ये ना हो कि बिना मतलब का वो आप अपवर्ड ले गए फिर बैकवर्ड ले गए, एक ही लाइन में दो बार तीन बार उसको ड्रॉ कर रहे हो, जहां जरूरत है। जैसे कि इस टाइप का एक फिगर बनाया गया था तो उसमें क्या है कि अगर आप यहां से भी शुरू करते हैं तो एक बार राइट तो वापस आपको आना ही है, ठीक है ना, या फिर यहां से शुरू किया तो ऊपर गए फिर राइट टर्न किया फिर वापस ये आपको आकर के फिर से आपको ऐसे करके बनाना है। तो जहां नेसेसरी है वहां पर हम लोग बैक एक ही लाइन पर दोबारा से टर्टल को मूव कराते हैं, नहीं तो बेवजह यूज करेंगे तो वो क्या होगा कि आपके कमांड का जो सेट है वही बढ़ेगा, ज्यादा कमांड लिखना पड़ेगा, समय ज्यादा लगेगा। तो कोशिश करें कि जो भी कमांड आपको बनाना है वो कमांड आपका प्रिसाइज हो, मतलब कि जो आप फिगर बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग। मैथमेटिकल ऑपरेशन के समय में, कुछ एक्सरसाइज के समय आपको कुछ लास्ट में क्वेश्चन था, उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम थे, तो उन वर्ड प्रॉब्लम को लोगों की मदद से अगर कैसे सॉल्व करें, जो कि एक रूल होता है, जब भी हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही फंक्शन एक ही एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेशन यूज करते हैं तो वहां पर एक रूल यूज होता है, उस रूल का नाम है बॉडमास रूल। तो बॉडमास रूल के अंतर्गत जैसे कि एक क्वेश्चन था कि एक आदमी दो दर्जन बनाना खरीदता है, फिर अपने घर जाता है और घर पे जाने के बाद उसको अपने चार बच्चों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करता है तो हरेक को कितना मिलेगा।
तो जैसे कि हमको पता है कि एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 दो दर्जन है यानी कि 24 होगा, फिर 24 को उसके चार बच्चे हैं तो चार से डिवाइड करेंगे, तो इससे पता चलेगा कि हर एक को कितना 6-6 पीस मिलेगा। ठीक है, तो इसके जो प्रॉब्लम्स हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को अगर हम लोगों की मदद से सॉल्व करना चाहें, लोगों की मदद से सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें आप लोग देखें सबसे नीचे इनपुट बॉक्स होता है, उसमें हम लोग टाइप करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे इससे किसी क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहले क्या करना है कि दर्जन, दो दर्जन, कितने दर्जन, तो दो दर्जन, तो दो दर्जन ये कितने होते हैं, तो उसके लिए जैसे कि 2 × 12, तो ये पता चल जाएगा कि हाँ दर्जन में टोटल कितने, एक दर्जन में 12 है तो दो दर्जन में 2 × 12 होगा। ठीक है, उसके बाद इस जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को डिवाइड कर देना है 4 से। तो एक लाइन में अगर इसको लिखना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, पहले डिवाइड करना है, नहीं करना है। अब जैसे कि बताया गया कि ये सिंबल यूज नहीं होता है, अब कंप्यूटर में एस्ट्रिक सिंबल यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो 2 × 12 डिवाइड बाई 4 ऐसा लिखेंगे क्या, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें जब जैसे कि आपको बॉटमा सूत्र बताया कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी यूज हो रहा है और डिवीजन भी यूज हो रहा है, तो बॉटमा सूत्र के हिसाब से सबसे पहले क्या करेगा कि वो इसको डिवाइड कर देगा, तो पहले डिवाइड नहीं करना है, पहले क्या करना है कि उसको तो मल्टीप्लाई करना है, यानी कि टोटल कितने केले हैं उसको पहले खरीद के लाएगा, तो दो दर्जन खरीद के लाया तो दो दर्जन, एक दर्जन में 12 होते हैं तो दो दर्जन, तो पहले उसको तो उसके लिए पहले मल्टीप्लीकेशन का काम होना चाहिए, तो बॉटमास रूल के हिसाब से तो पहले डिवीजन होता है, तो एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीप्लीकेशन भी है डिवीजन भी है, तो कंप्यूटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि नहीं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का काम पहले होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं उसको हम लोग ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो बॉटमास में ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा, तो ये ब्रैकेट का काम के अंदर जो 2 × 12 है ये काम इस प्रोसेस को पहले सॉल्व करेगा, तो हो गया 2 × 12 इसका वैल्यू जाएगा 24, और उसके बाद 24 / 4, अब 24 को 4 से डिवाइड कर देगा, तब ये क्या होगा कि ये आपका वैल्यू आएगा। तो ये हालांकि किसी तरह से बनाते हैं तो आंसर उतना ही आता, लेकिन ये तरीका है कैसे आप लिख पाते हैं। ठीक है, जो भी जैसे प्रोसेस यूज करना है उस हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, वहां पर हम लोग ब्रैकेट का यूज करेंगे तब जाकर के होगा। एक और क्वेश्चन था कि सपोज किया कि दो फ्रेंड है और स्कूल से एक फ्रेंड का घर 7 किलोमीटर ईस्ट में है और दूसरे फ्रेंड का घर 5 किलोमीटर, मतलब दो फ्रेंड है और स्कूल से दोनों के घर का डिस्टेंस एक का 5 किलोमीटर है दूसरे का 7 किलोमीटर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर एक का ईस्ट में है तो दूसरे का वेस्ट में है। ठीक है, तो उन दोनों घर के, उन दोनों दोस्त के घर के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है ये अगर फाइंड आउट करना है, तो सपोज किया कि ये स्कूल है और इधर इसका 5 किलोमीटर एक दोस्त का है और दूसरे का 7 किलोमीटर दूसरे दोस्त का है। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। अगर ऐसा रहता है कि सेम साइड में है एक का 5 किलोमीटर और दूसरे का 7 किलोमीटर, तो इस दोनों के बीच का कितना होगा, तो इसमें से हम लोग 7 में से 5 को घटाते हैं तब जाकर के ये पता चलता है कि इन दोनों घर के बीच का डिस्टेंस। लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन ये है कि स्कूल से एक का घर जो है वो 5 किलोमीटर है और दूसरे का घर जो है वो 7 किलोमीटर है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, इस दोनों के बीच का डायरेक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स में हम टाइप करेंगे 5 + 7, तो ये जो आंसर आएगा वो आंसर टोटल नंबर ऑफ टोटल किलोमीटर बताएगा कि दोनों दोस्त के घर के बीच का डिस्टेंस कितना है। एक क्वेश्चन था कि 6 को 12 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों में अंतर कितना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर बनाना है, जैसे कि 6 को अगर हम लोग 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 26 से,
और 26 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? तो दोनों काम एक साथ होना चाहिए, अलग अलग नहीं करना है। तो क्या करेंगे अभी, जैसा पहला क्वेश्चन बताए, जब आपको पता हो कि कौन सा प्रोसेस पहले कराना है तो उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। तो वो प्रोसेस हुआ ऑपरेशन, क्या होता है कि सबसे उससे पहले काम होगा, उसके बाद दूसरा काम होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके, इस दोनों के मल्टीप्लीकेशन करके दोनों का, दोनों में कितना कौन ज्यादा है कौन कम है ये आपको पता करना है, ठीक है। वैसे हालांकि ये प्रॉपर्टी होता है मल्टीप्लीकेशन का कि किसी भी दो नंबर को, ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों का वैल्यू जो होता है वो सेम होता है। तो दोनों का जब डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। जब दोनों नंबर सेम है तो उसका डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा, वो तो पता ही है। लेकिन इसको निकालना है अगर, तो इसी तरह करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 26 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो यहाँ माइनस का सिंबल दिया है और मल्टीप्लीकेशन है, तो दोनों मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट में, यानी इंडिविजुअली दोनों अलग अलग पहले उसको मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद फिर वो सब्ट्रैक्शन का काम होगा, उसके बाद उसको आपको रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो कंप्यूटर में लोगों की मदद से भी हम लोग इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऑपरेशन है जो इसके बारे में हम लोग बात किए। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में लोगो प्रोसीड्योर के बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर भी लोगो पर ही बेस्ड है, बताया गया था कि दो चैप्टर है जो लोगो पे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर में ये था, बेसिक कमांड था और उसके अलावा कुछ मैथमेटिकल कमांड पढ़ना था, और उसके अगले वीडियो में हम लोग लोगो प्रोसीड्योर क्रिएट करना हम लोग पढ़ेंगे।